हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके एक ऑफिसर बनना अधिकतर छात्रों का सपना होता है, लेकिन अधिकांश छात्रों को भारतीय वायुसेना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी है तो आपको इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर क्या है, भारतीय वायुसेना में अधिकारी कैसे बने, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित सभी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो यह विश्व की प्रमुख वायुसेनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश को हवा में बाहरी आक्रमण से बचाना है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख घटक उनके विमान हैं, इसीलिए उनका काम आसमान तथा देश को आसमान से होने वाले हमले से बचाना है। अगर हमारे देश पर किसी तरह का हवाई हमला होता है तो ऐसे में भारतीय वायुसेना हमें सुरक्षा मुहैया कराती है, ताकि कोई भी देश हमारे देश पर हमला न कर सके। इसीलिए हमारे भारत में भारतीय वायुसेना के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है, ताकि हवाई युद्ध के समय वह दुश्मनों से लड़ सकें। इसीलिए तो हमारे भारतीय वायुसेना में एक मुख्य अधिकारी होता है जो हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखता है, और साथ ही वे वायुसेना को ठीक से मैनेज करते हैं, इसीलिए उन्हें वायुसेना का मुख्य अधिकारी कहा जाता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए भी वही काम करना होता है जो एक एयरफोर्स को करना होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आवश्यक योग्यताएं होनी जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास आवश्यक योग्यता है तो आप भारतीय वायुसेना की अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास करना होगा, और साथ ही आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50% से 55% अंक होने चाहिए। आपको भारत, भूटान या नेपाल का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को अंग्रेजी तथा गणित की अच्छी समझ होनी चाहिए। उम्मीदवार को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए। कैंडिडेट को 12वीं कक्षा पास करने के बाद PCM से ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए। कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट की ऊंचाई कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और साथ ही आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट को अविवाहित होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख बातों को। दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास करना होगा, और साथ ही कक्षा 12वीं में आपको कम से कम 50% से 55% अंक हासिल करने होंगे। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 12वीं के बाद NDA एग्ज़ाम यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा, क्योंकि NDA परीक्षा से आप वायुसेना, थल सेना, नौसेना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो साल में 2 बार आयोजित की जाती है, और यह परीक्षा UPSC द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, जो खासकर अप्रैल से सितंबर के महीने में होती है। इसीलिए आपको NDA एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको NDA परीक्षा को बेहतर तरीके से पास करना होगा। जैसे ही आप NDA पास करते हैं, आपको SSB द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हालांकि यह इंटरव्यू बहुत कठिन होती है, जिसे पास करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको कई सारे टेस्ट देने होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू आदि।
यदि आप इन टेस्ट को अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तो आपको आगे के मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों SSP द्वारा आयोजित इंटरव्यू को पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है ताकि आपको किसी तरह की बीमारी ना हो, और इसके लिए आपको शरीर तथा मानसिक रूप से फिट होना होगा। यदि आप मेडिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट को 3 साल के लिए NDA में कोचिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों NDA के तहत 3 साल की कोचिंग पूरी करने के बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है, जहां आपको 1 साल की एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप सफलतापूर्वक 1 साल का एयरफोर्स का ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद के लिए चयनित हो जाते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के योग्य कैंडिडेट्स को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो आइए जानते हैं एयरफोर्स ऑफिसर के पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। ये जॉब प्रोफाइल्स हैं फाइटर पायलट्स, पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स, नेविगेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर, एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर, मेट्रोलॉजी ब्रांच ऑफिसर। तो ये कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं। दोस्तों अगर हम भारतीय वायुसेना के अधिकारी के वेतन की बात करें तो उन्हें 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये के पे बैंड में भुगतान किया जाता है। वहीं फ्लाइंग, टेक्निकल तथा ग्राउंड ड्यूटी का भुगतान भी उतना ही होता है, और उन्हें ग्रेड पे 5,400 रुपये ही दिया जाता है। और जैसे जैसे इसमें अनुभव बढ़ता जाएगा, समय के साथ उनकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैसे बने, और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।